श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पद्म पुराणांतर्गत माघ मास महात्म्य, माघ मास छठवां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्रह्मांड की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता गांव के चारों तरफ जल की प्याव लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, नहीं कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पुष्ट तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के इसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आ गया है। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत षष्ठोऽध्याय समाप्तः।